अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर दानिश प्रोग्राम रियल फोकस के साथ हाजिर है। इस वक्त पाकिस्तान बड़ी तकलीफ में है और चारों तरफ पाकिस्तान के खतरात ही खतरात मंडला रहे हैं। ईस्टर्न बॉर्डर और वेस्टर्न बॉर्डर दोनों ही इस वक्त आपके वहाँ खतरात मंडला रहे हैं। आप जानते हैं कि इस वक्त अफगानिस्तान का इस वक्त मैटर क्या है। आर्मी चीफ ने अपनी फ़ौज को मुकम्मल तौर पर इस वक्त जो है अलर्ट किया हुआ है, जो इस वक्त सिचुएशन है आपके अफ़गानिस्तान की। आप वहाँ देख लें कि क्या सूरत हाल डेवलप हो रही है, किस तरीके से अफ़गानिस्तान पे तालिबान के आने के बावजूद वहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के जो हैं इश्यूज़ बन रही हैं और उसकी वजूहात है। देखें, एक बात याद रखिए कि अफ़गान तालिबान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान दोनों एक ही इस वक्त ताल्लुक़ में हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि अफ़गान तालिबान ने कभी पाकिस्तान के लिए नेगेटिव चीज़ नहीं की, लेकिन उनका ये भी कहना है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई ऐसी उसकी ज़मीन अगर इस्तेमाल हुई अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़, तो फिर वो कोई हुज्जत नहीं करेगा। पाकिस्तान की तरफ तंबी की है उसने, और अभी पिछले दिनों आपको अंदाज़ा है कि किस तरीके से अफ़गान तालिबान पे, काबुल पे, वहाँ पे, दाइश पे और दूसरी जगहों पे अमेरिका ने, इसके बावजूद कि अमेरिका वहाँ से निकल चुका है, लेकिन वहाँ स्ट्राइक की है। अब ये स्ट्राइक कहाँ से हो रही है और किस तरीके से हो रही है, हमें सिर्फ इस बात का कंसर्न है कि इस वक्त अमेरिकन बहुत बड़ी ट्रुप्स जो हैं वो बहुत बड़ी तादाद में नेटो की अमेरिकन फोर्सेस और इंटेलिजेंस के बहुत अहम जिम्मेदारान, बहुत लोग पाकिस्तान में इस वक्त क़याम पज़ीर हैं। हालांकि ये सवाल उठ रहा है कि पाकिस्तान ने उनको जगह क्यों दी, क्यों उनको उतरने दिया। अब तो पाकिस्तान उनका स्ट्रेटजिक पार्टनर भी नहीं है, इंडिया उनका स्ट्रेटजिक पार्टनर है, इंडिया उनका एलआई है। अगर ये जहाज़ वहाँ से उड़ा था तो ये जहाज़ बहिर अरब में जो अड्डे हैं वहाँ भी उतर सकता था, ये जहाज़ जो है वो इंडिया में भी उतर सकता था, ये कतर में भी उतर सकता था जहाँ उनके बेस है, ये यूएई में उतर सकता था। लेकिन पाकिस्तान में इन फौजियों को उतारने का क्या मकसद है, और पाकिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है जिसके वज़ीर आज़म ने एब्सोल्युटली नॉट कहा था अड्डे के हवाले से, तो उन्होंने तो पूरा पाकिस्तान अमेरिकन के हवाले कर दिया है। क्या अमेरिका की मर्ज़ी के बग़ैर पाकिस्तान अमेरिकन ट्रोप्स एजेंसी को यहाँ से निकाल सकेगा? माजी में आपको एक बात याद होगी कि इसी किस्म के हालात उस वक्त पैदा हुए थे जब रेमन डेविस जैसा वाक़या हुआ था और बहुत सारे दूसरे वाक़े हुए थे, और आपको मैरियट होटल का याद होगा कि पूरा का पूरा मैरियट होटल का फोर्थ फ्लोर जो है वो तहस नहस हो गया था और वहाँ एक बहुत बड़ा बम ब्लास्ट हुआ था। उसकी तफसील में मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन लोगों का ये ख्याल था कि उस फ्लोर पर जो है वो गैर मुल्की फ़ौजें वहाँ पे बैठी हुई थी। तो अभी जो सूरत हाल है वो तो मुकम्मल तौर पर इस्लामाबाद की होटल्स और कराची के होटल्स और कई अहम एरियाज़ पे अमेरिकन फोर्सेस मौजूद हैं, तो ये बहुत बड़ा ख़तरा है पाकिस्तान के लिए। दूसरी तरफ आप देख लें पाकिस्तान की मईशत का क्या हाल है। आज ही स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो आदाद शुमार दिए हैं उनमें से तकरीबन 400 खरब जो है वो कर्ज ये आपके हो चुका है पाकिस्तान का, और इन्होंने जो कर्ज़ लिया है आपके वो तकरीबन 48,000 आपके के करीब है, जबकि पीएमएलएन ने कोई 21,000 के करीब छोड़ा था। मैं इन्हीं की आदाद शुमार बता दूं कि इन्हीं की आदाद शुमार आज की जो स्टेटमेंट है उसमें यह है कि तकरीबन जो कर्ज़ इन्होंने लिया है 3 साल में, वो 10 साल के उस कर्ज़ के जो पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी का है उसका 82% के मसावी है। दूसरी तरफ इनके पास जो रिमिटेंस है, ये शोर मचाते हैं रिमिटेंस है, वो रिमिटेंस टोटल के टोटल जो इस वक्त 18 बिलियन है वो टोटल के टोटल लोन है। तो मईशत आईएमएफ इस वक्त आईएमएफ के पास है, स्टेट बैंक जो है वर्ल्ड बैंक के पास है, सारी इकोनॉमी इस वक्त तीनों चला रहे हैं। पाकिस्तान आलमी तन्हाई का शिकार है, दुनिया में कोई मुल्क हमारे साथ खड़ा नहीं है, चाइना जैसा मुल्क हमसे नाराज़ होकर बैठा हुआ है, और ऐसी सूरत हाल में मुल्क के अंदर जो है महंगाई जो है आप
16 पॉइंट पाकिस्तान की तारीख में इतनी महंगाई नहीं हुई जो इस 3 साल दौर में 16.46 पहुंच चुकी है और तेज़ी से बढ़ रही है। डॉलर जो है वो 123 से तकरीबन 170 पहुंच गया है जो कि बैंकिंग रेट है, लेकिन वैसे अगर ओपन मार्केट में जाएं 175-176 पहुंच चुका है और लोग कह रहे हैं कि अभी मजीद बढ़ेगा। इसी तरीके से आम आदमी जो बेरोज़गार है वो तकरीबन इनके दौर में 1,32,00,000 के करीब बेरोज़गार हो गए, मजीद बेरोज़गारी बढ़ रही है। तो गुर्बत, महंगाई, बेरोज़गारी और उसके साथ साथ अब लाकानूनियत भी शुरू हो गई है, जाहिर है क्राइम रेट्स बनेगा और इसके साथ साथ वो दहशतगर्दी जो ख़त्म हो गई थी वो दोबारा शुरू हो गई है। तो ये जो हुकूमत है ये इसने तो मुल्क को तबाह कर दिया है। इस वक्त अवाम मर रही है, खुदकुशी कर रही है, आलमी तन्हाई का शिकार हो चुका है पाकिस्तान। चीन, यूएई और सऊदी अरब जैसे दोस्त अब पाकिस्तान से सवाल कर रहे हैं, साथ देने को तैयार नहीं है। और तीसरी तरफ अफगानिस्तान के ऊपर इतना बड़ा प्रेशर है वहाँ पे कि जी वहाँ खाना जंगी के हालात पैदा हो रहे हैं और पाकिस्तान की फौज वहाँ ईस्टर्न बॉर्डर में भी इंगेज है, वेस्टर्न बॉर्डर पर भी इंगेज है और मुल्क में एक नाअहल नाकाम तरीन हुकूमत है जिनका काम यह है कि मीडिया में आके सिर्फ गालम गलोच करें, इसके अलावा कुछ नहीं है इनके पास। ऐसी सूरत हाल में मुल्क को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, जबकि इस वक्त अंदरून यानी पाकिस्तान के अंदर आपने अमेरिकन फौजों को यहाँ पे रख दिया। एक स्ट्राइक अगर अफगान तालिबान पे होती है या दाइश पे हो रही है या तहरीक तालिबान पाकिस्तान पे होती है तो वो किस तरफ रुख करेंगे? वो पाकिस्तान की तरफ रुख करेंगे। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी तबाह हो चुकी है, पाकिस्तान का गवर्नेंस तबाह हो चुका है, पाकिस्तान की सफारतकारी ख़त्म हो चुकी है, पाकिस्तान की आइनी और कानूनी जो हालात हैं वो ये हैं कि सुप्रीम कोर्ट जैसा इदारा तकसीम हो चुका है, लोग अपनी सुप्रीम कोर्ट पर एतमाद नहीं कर रहे हैं, बेंच बनता है बेंच टूटता है, वहाँ से आपके लोग अपनी एप्लीकेशन वापस ले रहे हैं ये कह के कि हमें इस बेंच पे एतमाद नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस पे। दूसरी तरफ फौज को मतनाज़ा कर दिया है, सोशल मीडिया में देख लीजिए भरपूर तरीके से फौज के ख़िलाफ़ जो है एक पूरा मॉब काम कर रहा है, इधर उसमें ज़ाहिर है इंडियन बहुत सारे एलिमेंट्स उसको प्रोमोट कर रहे होंगे। अब तीसरी तरफ देख लें पार्लियामेंट सिफर हो चुका है, इतने बड़े बड़े फैसले हो रहे हैं ना पार्लियामेंट को पता है, ना अपोजिशन को पता है, ना आपके आवाम को पता है, ना काबीना को पता है क्या ये सूरत हाल हो रहा है। और ऐसी सूरत हाल में अब वाहिद मुल्क को बचाने के लिए जो अहम चीज़ सामने है वो है पीडीएम। और इस वक्त जो कराची का जलसा हुआ है बहुत शानदार जलसा हुआ है, हुकूमत ने दावा किया था बहुत शानदार जलसा हुआ है, हालांकि इसमें पीपल्स पार्टी शामिल नहीं थी लेकिन बहुत शानदार जलसा हुआ। और इस जलसे से दोनों को उम्मीद हुई है, पीडीएम को भी उम्मीद हुई है जो जिन्होंने बहुत भारी ऐलानात किए हैं जिसका जिक्र मैं करता हूं, और दूसरी तरफ जो है वो आपके आवाम को भी इसका इत्मीनान मिला। आप क्या समझते हैं कराची के इस जलसे में जब पीपल्स पार्टी यहाँ नहीं है, सिर्फ क्या JUI के कारकुन थे, PMLN के कारकुन थे या दूसरी तंजीमों के कारकुन थे? यहाँ पे आवाम की एक बहुत बड़ी तादाद आई थी, आवाम जो इस वक्त मर रही है बेरोज़गारी में, महंगाई में, गुर्बत में, लाकानूनियत में, दहशतगर्दी में, लोड शेडिंग में, खुदकुशी कर रहे हैं, उनका आसरा क्या है? हुकूमत से तो नहीं है, क्योंकि हुकूमत तो जो बेचारे पैसे लेके इनकी अपने उस जगह पे रख रहे हैं जहाँ से आपके सेविंग अकाउंट्स है, वहाँ पर हुकूमत उनसे 300 अरब खा रही है इस तरह कि 11% जो मुनाफा था उसमें 5% कर दिया है। तो हुकूमत तो रोज़ बरोज़ पेट्रोल का प्राइस बना रही है, अब तो इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस भी बढ़ चुका है, तो मर रहे हैं लोग। एक आदमी जो सफ़ेद पोश होता है वो अब जाकर चीपा और ईदी और दूसरे जो बाहर खाना खिलाते हैं गरीबों को वहाँ बैठ के सफ़ेद पोश लोग खाना खा रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये हालात हैं और इस तरह की नाअहल हुकूमत को लेकर इस्टेब्लिशमेंट जो है इनको लेके आगे बढ़ी। आज इस्टेब्लिशमेंट को भी एहसास हो रहा है कि इस वक्त जबकि मुल्क ख़तरनाक हालात में है, मौशी तबाही है और आइसोलेशन का शिकार है पाकिस्तान और इंटरनल पाकिस्तान के दाखिली मामलात ख़राब हो चुके हैं और इस वक्त अवामी हालत बहुत तबाही के दाने पर है और ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान को इतने बड़े बड़े चैलेंजेस हैं और ये एक मस्खरों की एक जमात है जो गालम गलोच करने के अलावा कुछ नहीं आता है। किसी शोबे में भी इनका 3 साल की कारकर्दगी देख लें काम नहीं है। तो मुल्क को बचाना है, वो भी अब रो रहे हैं, वो भी रो रहे हैं, वो भी फंस चुके हैं।
पीडीएम ने भी वाजह तौर पर ऐलान कर दिया, बड़ा ऐलान है। सबसे पहले तो शहबाज शरीफ साहब का ऐलान सुनिए कि वो शहबाज शरीफ जिसके बारे में कहा जाता था कि ये मुफाहमत की सियासत करते हैं, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो लाखों का मजमा लेकर अब जा रहे हैं इस्लामाबाद। तो ये लाखों का मजमा लेके जो वो जा रहे हैं वो कोई मुफाहमत की सियासत करने अब नहीं जा रहे हैं। इसका मतलब है शहबाज शरीफ भी अब उस प्लेटफॉर्म पे आके खड़े हो गए जहां नवाज शरीफ थे, और नवाज शरीफ ने कराची में जो आपके तकरीर की है क्या कहा है, उन्हें कह लेंगे मैंने और मेरी पार्टी ने अपनी कश्ती जला दी है, अब हम इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ के लिए काम करेंगे। किसके लिए काम करेंगे कि इस मुल्क में आईन की अमलदारी हो, हलफ की पासदारी हो और वोट का तकद्दुस हो। उन्होंने कहा इसके लिए मुझे जो भी कुर्बानी देनी होगी मैं दूंगा, और इसके साथ साथ उन्होंने कह दिया कि मेरी जिंदगी जितनी भी है मैं इस असूल से नहीं हटूंगा। बहुत बड़ी बात कह दी है। फिर एक दफ़ा उन्होंने अपने अपनी पार्टी को, अपनी लीडरशिप को, अपने अपने कारकुनों को, अपने सपोर्टर्स को वाजह कर दिया है कि पीएमएलएन का एक बयानिया, इसके अलावा कोई बयानिया नहीं है। और इसी बयानिए को शहबाज शरीफ ने, जो लोग कह रहे थे ना कि नून से शीन निकल रहा है और शहबाज शरीफ मुफाहमत हैं और फला, उन्होंने भी ऐलान कर दिया उसी आपके मीटिंग में के जलसे में के लाखों का मजमा लेकर वो जा रहे हैं इस नापायद हुकूमत को, नाकारा हुकूमत को, नाकाम हुकूमत को आवाम की ताकत से छुटकारा दिलाने। और इसमें एक बहुत बड़ा ऐलान और भी हुआ है, और वो ये ऐलान हुआ है कि जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब जो अकेले आज़ादी मार्च करके जा चुके थे और उनकी उस आज़ादी मार्च ने पूरी हुकूमत को हिला दिया था, उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट ने फिर सपोर्ट किया था हुकूमत को, जिसकी बुनियाद पर हुकूमत बच गई थी और बहुत से वादे हुए थे जो पूरे नहीं हुए। अगर उस वक्त पंजाब या शहबाज शरीफ सपोर्ट कर देते मौलाना फजल रहमान साहब को तो आज ये नाकारा हुकूमत नहीं होती। लेकिन आज मौलाना फजल रहमान ने फिर ऐलान कर दिया है कि वो इनकलाब के लिए निकल रहे हैं। इनकलाब जलसे और जुलूस नहीं होते, इनकलाब का मतलब होता है कि अवामी ताकत से अवामी तहरीक बनाकर जो मौजूदा इस वक्त एक डिक्टेटरशिप की हुकूमत है, नाजायज हुकूमत है बकौल उनके, एक 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 सिलेक्टेड हुकूमत है, नाकाम हुकूमत है जिससे मुल्क तबाह हो रहा है, जिससे मुल्क को नुकसान पहुंच रहा है, मुल्क के कौमी असासों को नुकसान पहुंच रहा है, अवाम को नुकसान पहुंच रहा है, उसको किसी भी सूरत में निकाला जाए। अब आप सोच लीजिए कि मौलाना फजलुर रहमान इनकलाब के लिए निकल रहे हैं, शहबाज शरीफ लाखों का मजमा लेके निकल रहे हैं, अगर यही दो सियासी जमातें, नौ जमातें मौजूद हैं, अगर सिर्फ यही दो सियासी जमातें अवामी ताकत को मोबिलाइज करने में और अवाम की ताकत को तहरीक बनाने में, जो कि लगता है बन जाएगा, तो फिर इस्लामाबाद में अवामी सर नजर आ रहे होंगे और फिर उसके बाद यह हुकूमत दुम दबा के भागेगी। और मुझे जहां तक पता है कि अगर अवामी समुंदर वहां पहुंच गया और इनकलाबी सोच के साथ वहां पहुंचे मौलाना फजलुर रहमान और मौलाना और परवे और पीएमएलएन पूरी ताकत पंजाब की वहां लगाती है, तो फिर इस्टेब्लिशमेंट भी दो कदम, चार कदम नहीं, दस कदम पीछे हटेगी और मामला जो है वो पीडीएम के इख्तियार में जाएगा, अवाम के इख्तियार में जाएगा, क्योंकि अब मुल्क मुतहम्मिल नहीं है कि वो मजीद कुर्बानियां और तबाहियां दे। अब पीडीएम फैसला कुन अपने उसमें आ चुकी है। और एक और बात बता दूं, मियां नवाज शरीफ साहब किसी वक्त भी ऐलान कर सकते हैं कि वो पाकिस्तान आए, मैं पहले ही बता चुका हूं, एक इशारे का इंतजार है और वो इशारा किसी वक्त भी हो सकता है, क्योंकि बहुत अहम लोग मियां नवाज शरीफ से भी मिल चुके हैं, मौलाना फजल रहमान से भी मिल चुके हैं, बिलावल भुट्टो से भी मिल चुके हैं, आसिफ जरदारी से भी मिल चुके हैं। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो आज अफसोस कर रहे होंगे कि वो पीडीएम का हिस्सा नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ इस हुकूमत को गिराने के लिए वो पार्लियामेंट को यूज कर रहे हैं और इस सिलसिले में उनके पास नंबर ऑफ गेम मौजूद है। आया वो पार्लियामेंट से गिराते हैं या फिर जो है मौलाना फजल रहमान और शहबाज शरीफ लाखों का मजमा लेकर इस्लामाबाद पहुंचते हैं और जो एक अवामी तहरीक होगी जो इनकलाब लाएगी और इस इनकलाब में बकौल मौलाना फजल रहमान बड़े बड़े बह जाएंगे। इनकलाब जब आता है तो बड़े बड़े लोग जो बहुत अपने आप को डिक्टेटर समझते हैं, हुकूमत का बहुत ताकतवर हिस्सा समझते हैं और समझते हैं कि यह कुर्सी बहुत मजबूत है, वो सब बह जाती है। तो बहुत बड़ी बड़ा फैसला हुआ है, बहुत हौसले बुलंद हुए हैं अपोजिशन के, बहुत हौसले बुलंद हुए हैं अवाम के। अब देखते हैं कि पीडीएम अपने एक बयानिए पे
कि हलफ की पासदारी, आइन की अमलदारी और वोट का तकद्दस लेकर आगे बढ़ रही है और मौजूदा नाहल नाकारा हुकूमत को गिराने के लिए तो कौन सी दीवार उनको रोकती है। मेरा अपना ख्याल है कि मुल्की मफाद में ना इस्टेब्लिशमेंट रोकेगी ना कोई और इदारा रोकेगा और फैसला बहुत जल्द होने वाला है जो अब करीब है। डॉक्टर दानिश को हिला दीजिए, अल्लाह हाफिज़।